Hello everyone, I'm Kajal Singh and today we are going to begin with chapter 4, that is share capital and debentures. In this chapter, we are going to study about share capital and debentures under section 43 to section 72. We are going to study about concepts relating to shares and concepts relating to debentures. So before we begin the chapter, we should understand ki company shares and debentures issue kyun karti hai. तो किसी भी कंपनी को रन करने के लिए, किसी भी कंपनी को वर्क करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं और कंपनी ये फंड्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करके कलेक्ट करती है. तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इन्फॉर्मेशन ओनली कि कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करके फंड्स कलेक्ट करती है. सो फाइनेंस द लाइफ ब्लड फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स. मतलब कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करके कंपनी के लिए फाइनेंस इकट्ठा करती है जो कि कंपनी को रन करने के लिए लाइफ ब्लड का काम करता है. इन फैक्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प इन अरेंजिंग फंड्स फॉर द कंपनी. अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 दे आर जॉइनली रेफर्ड एज सिक्योरिटीज. मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स को साथ में मिला के हम सिक्योरिटीज बोल सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज शेयर कैपिटल का टाइप्स. शेयर कैपिटल का टाइप्स डिस्कस करने से पहले शेयर एंड स्टॉक का डेफिनेशन देख लेते हैं. सेक्शन 284 डिफाइंस शेयर एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक. मतलब किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल में किसी पर्सन का जो हिस्सा होता है उसको शेयर्स बोलते हैं एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक. The share capital of a company is divided into small units having a certain face value. Each such unit is termed as share. मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है और हर यूनिट को शेयर बोलते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है ये कि सन बेकर्स लिमिटेड के ऑथराइज शेयर कैपिटल है 50 लाख के और हर यूनिट का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है. तो इस केस में ये कहा जा सकता है कि कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स है 10 रुपीज़ ईच के. व्हेन दीज शेयर्स आर अलॉटेड टू वेरियस पर्सन दे ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. मतलब ये जो शेयर्स है ये जब भी अलॉट किए जाएंगे किसी पर्सन को तो ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट वो शेयर होल्डर बन जाएगा कंपनी का. जिस पर्सन को शेयर्स अलॉट किया गया दैट पर्सन विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट. हमने शेयर के डेफिनेशन में ये पढ़ा कि शेयर इंक्लूड्स स्टॉक. तो व्हाट आर स्टॉक्स, क्या होता है स्टॉक. इफ़ अ कंपनी अंडरटेक्स टू एग्रीगेट द फुली पेड अप शेयर ऑफ वेरियस मेंबर्स एज पर देयर रिक्वेस्ट एंड मर्ज दो शेयर्स इनटू वन फंड देन सच फंड इज कॉल्ड स्टॉक. या तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि स्टॉक इज अ कलेक्शन और बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर्स. मतलब जितना भी फुली पेड अप शेयर्स है किसी कंपनी का अगर हम उसको कलेक्ट करेंगे या उसको हम एग्रीगेट करेंगे तो उस एग्रीगेट को स्टॉक बोला जाता है. अ लिमिटेड कंपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने पे अपने फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है या तो अपने स्टॉक को फुली पेड अप शेयर्स में रिकन्वर्ट कर सकती है. मतलब स्टॉक को फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करना एंड फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना ये पॉसिबल है कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद. स्टॉक को लमसम अमाउंट में या एज अ होल बोला जाता है एंड शेयर्स स्मॉलेस्ट यूनिट हैं जिनका फेस वैल्यू होता है. तो कोई भी कंपनी शेयर्स ओरिजिनली इशू करती है शेयर होल्डर्स को बट स्टॉक ओरिजिनली इशू नहीं किया जा सकता क्योंकि स्टॉक फुल्ली पेड अप शेयर को कन्वर्ट करके बनाया जाता है. तो शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड टू शेयर होल्डर्स बट स्टॉक्स आर नॉट ओरिजिनली इशूड टू शेयर होल्डर्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन बाई कन्वर्जन ऑफ फुली पेड अप शेयर्स. नाउ लेट्स डिस्कस द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. दो टाइप्स के शेयर कैपिटल होते हैं. फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल को फर्दर दो टाइप्स में बांटा जा सकता है. एक तो विथ वोटिंग राइट्स वाले जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और दूसरा डिफरेंशियल राइट्स वाले. मतलब डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिफरेंट राइट्स.
फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। किस केस में प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं? एक तो उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और दूसरा जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा हो तो उस टाइम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का कैपिटल का रीपेमेंट पहले होता है। तो सेम बात जो हमने अभी पढ़ी वो यहाँ वापस से बताई गई है कि शेयर कैपिटल टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं उनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है कि उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिले एंड कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम उनके कैपिटल का रीपेमेंट पहले हो, और वो शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस नहीं होते उनको इक्विटी बोला जाता है। इक्विटी शेयर को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लेन वैनिला, मतलब सेम वोटिंग राइट्स वाले, एंड सेकेंड वन इज़ डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स, मतलब डिफरेंट वोटिंग राइट्स वाले। फर्दर अभी हमने जो पढ़ा वही हमको वापस से बताया गया है कि शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो टाइप्स होते हैं शेयर्स के, एंड इक्विटी शेयर को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है, वोटिंग राइट्स वाले एंड डिफरेंशियल राइट्स वाले। जो हमने अभी पढ़ा उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होते, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़ के जो शेयर कैपिटल बचता है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब कंपनी जब भी पेमेंट करेगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को मिलता है, सेकेंड प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, एंड थर्ड प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। मतलब कंपनी के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करे, अगर कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। डिक्लेयर करने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि उनका पेमेंट हो, बट डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाए। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलना कंपलसरी होता है, एंड इन केस ऑफ कंपनी जब भी वाइंड अप हो रही हो तो उस टाइम पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कैपिटल का रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैपिटल के रीपेमेंट से पहले किया जाता है। तो इन दो केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस होता है अबव इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में पढ़ा, नाउ व्हाट इज डीम्ड प्रेफरेंस कैपिटल? डीम्ड प्रेफरेंस कैपिटल क्या होता है? तो ये समझने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है। कंपनी जब ये डिविडेंड देती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, एंड फिर अगर सरप्लस बचा तो या तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाता है या फिर उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी हिस्सा हो सकता है। अगर सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिस्सा नहीं है तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे हम, और अगर सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। सिमिलरली कैपिटल के केस में भी अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैपिटल का रीपेमेंट कर देती है एंड उसके बाद अगर सरप्लस बचता है तो उस सरप्लस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर पार्टिसिपेट करें तो वो पार्टिसिपेटिंग होंगे, एंड अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करें तो उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉन पार्टिसिपेटिंग ही होती है, बट इन सर्टन केसेस इट इज़ स्पेसिफाइड कि वो पार्टिसिपेटिंग है। उस केस में ऑल दो इक्विटी शेयर होल्डर्स जैसा वो बिहेव कर रहे हैं बट फिर भी हम उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही मानेंगे, मतलब दे आर डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो सेम बात यहाँ हमको बताई गई है कि डिविडेंड के केस में अगर वो पार्टिसिपेटिंग है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सरप्लस में तो हम उनको डीम्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मानेंगे, एंड सिमिलरली इन केस ऑफ कैपिटल भी अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सरप्लस में तो हम उनको डीम्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मानेंगे। इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स को कंपनी डिफरेंट राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू करती है बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज। पर डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंपनी को? बिकॉज जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके प्रायोरिटीज़ अलग अलग होते हैं।
जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड के पेमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उनको चाहिए होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिविडेंड उनको मिलता रहे, और वोटिंग पावर से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उनके पास उतना वोटिंग राइट्स होता नहीं है कि वो डिसीजन को इफेक्ट कर सके। बट जो प्रोमोटर्स होते हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट वोटिंग पावर में होता है। उनको डिविडेंड कम भी मिले तो चलेगा, बट वो वोटिंग पावर चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए डिफरेंट शेयर होल्डर्स के लिए डिफरेंट राइट्स के शेयर्स इशू किए जाते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट मिलता रहे। स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से इशू लाके कंपनी ईजिली इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। पर डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स रूल 4 में दिए गए हैं, तो लेट्स सी कि कौन से रूल्स हैं जिनको कंप्लाई करने के बाद ही कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकती है। फर्स्ट वन इज़ कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथराइज होना चाहिए कि कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ये ऑथराइज करना चाहिए कि कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू कर सकती है। सेकेंड वन इज़ सिर्फ AOA में ऑथराइज होना काफ़ी नहीं है, कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। मतलब वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, मतलब कंपनी को सिंपल मेजॉरिटी लेनी होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराना होगा। और अगर कंपनी लिस्टेड है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज तो उस केस में पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूव कराना होगा शेयर होल्डर से। थर्ड वन इज लिमिट क्या है, मतलब कितने परसेंट के डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है आउट ऑफ टोटल इश्यूज। द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब डिफरेंशियल राइट्स वाले जो शेयर इशू किए गए उनको मिला के जो टोटल वोटिंग पावर है कंपनी का उसका 74% से ज़्यादा कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, मतलब 74% तक ही कर सकती है। इट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। फोर्थ वन वॉज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब कंपनी के पास 3 साल के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, बट अब उसको ओमिट कर दिया गया है। फिफ्थ वन इज कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स के फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है फॉर 3 financial ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ डिसाइडेड टू इशू सच शेयर्स। मतलब कंपनी ने जिस ईयर में ये डिसाइड किया है, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये डिसाइड किया है कि वो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू करने वाली है, उसके इमीडिएटली प्रिसीडिंग 3 financial ईयर्स में कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स के फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। एफ पॉइंट क्या बोलता है कि द कंपनी हैज़ नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ अ डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स और रीपेमेंट ऑफ इट्स मेच्योर डिपॉजिट और रिडेम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंशियस और डिबेंचर्स दैट हैव बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट और डिबेंचर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उस डिविडेंड के रीपेमेंट में, या फिर कंपनी के जो डिपॉजिट्स मेच्योर हो गए हैं उसके रीपेमेंट में, या कंपनी के जो प्रेफरेंशियस या डिबेंचर्स का रिडम्पशन होना है उसके पेमेंट में, या कंपनी को डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट पे या डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का जो रीपेमेंट करना है उसमें कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब अभी का एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट, मतलब अगर पहले से डिफॉल्ट है भी, कंपनी ने नहीं भी रीपेमेंट किया है इन सारी चीज़ों में से किसी का, तो कंपनी को ये डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू करने से पहले इन सारी चीज़ों का पेमेंट कर देना चाहिए। मतलब कंपनी ने कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं किया है, कंपनी अभी डिफॉल्ट में नहीं है, या तो डिविडेंड के पेमेंट में, या डिपॉजिट्स या प्रेफरेंशियस के रिडेम्पशन में, या डिपॉजिट एंड डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के पेमेंट में, इन सारे पेमेंट में कंपनी का कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है। अगर है तो कंपनी ने वो पे कर देना चाहिए बिफोर इशूइंग डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स। पॉइंट जी सेज दैट कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के पेमेंट में
या फिर कंपनी ने अगर कोई लोन ले रखा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसके पेमेंट में, या किसी बैंक से लोन ले रखा है कंपनी ने उसके पेमेंट में, या इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अमाउंट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए। अगर कंपनी ने इन सारे चीज़ों के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट करा है तो फिर कंपनी अगले 5 ईयर्स तक डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी मे इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिफॉल्ट वॉज मेड गुड। जब भी वो डिफॉल्ट को सुधारा जाएगा उस ईयर से 5 ईयर्स तक डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते, उसके बाद इशू कर सकती है कंपनी। एच पॉइंट सेज कि कंपनी को लास्ट 3 ईयर्स में किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पैनलाइज नहीं किया होना चाहिए अंडर RBI एक्ट, अंडर SEBI एक्ट, SICRA एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन चारों एक्ट में से या किसी भी स्पेशल एक्ट के अंडर लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी को किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पैनलाइज नहीं किया होना चाहिए। कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। रूल 4 ये बोलता है कि जनरल मीटिंग और पोस्टल बैलेट का जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है उसमें डिफरेंशियल राइट के इशू से रिलेटेड डिटेल्स होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। विद वोटिंग राइट्स वाले जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उनको हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा। मतलब ना तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी कैपिटल को विद वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, ना ही तो विद वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर कैपिटल को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिस फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं उस फाइनेंशियल ईयर के बोर्ड्स रिपोर्ट में उस इशू से रिलेटेड डिटेल्स देना होता है। राइट्स टू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। जिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू किए गए हैं तो उनको जिन डिफरेंशियल राइट्स के साथ शेयर इशू किए गए हैं वो राइट्स तो उनको मिलेंगे ही, उसके साथ जो अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट्स एंजॉय करते हैं वो सारे राइट्स भी इन डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, सच एज बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एक्सेट्रा। ऐसे जो अदर राइट्स है जो बाकी शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं वो सारे राइट्स भी डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय करेंगे अलॉन्ग विथ उनको जो डिफरेंशियल राइट्स के साथ शेयर्स इशू किया गया है। पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स टू बी मेंटेन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जब भी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उस टाइम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है। मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ये सारे इन्फॉर्मेशन मेंटेन होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी के टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।